मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिनी सत्र सोमवार को होगा। कोरोना संकट के बीच विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिना मास्क के किसी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी, सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। विधानसभा के सदस्य वर्चुअल और एक्चुअल दोनों तरीकों से सत्र में भाग ले सकेंगे। सत्र के पहले विधानसभा को अंदर और बाहर दोनों जगह सैनिटाइज किया गया है। विधानसभा का जायजा लिया अनादि टीवी के संवाददाता अंकुर अधवर्य ने। एक दिवसीय सत्र कल से प्रारंभ होने जा रहा है। 21 तारीख को एक दिवसीय सत्र आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना संक्रमण काल के चलते यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। निश्चित तौर पर पुलिस व यहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी हैं पूरी तरह से मुस्तैदी से तैनात हैं। बिना मास्क लगाए हुए किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो विधानसभा के सदस्य हैं वह भी यहाँ पर एक सीमित संख्या में भी आएंगे और निश्चित तौर पर कह सकेंगे कि वर्चुअल एक्चुअल दोनों तरह से वह भाग ले सकते हैं। विधानसभा को अंदर और बाहर पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। जो आवश्यक लोग हैं वही सिर्फ विधानसभा में जा सके, बाकी अनावश्यक लोगों को बिल्कुल भी विधानसभा में एंट्री नहीं जाएगी। निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस तरह से प्रदेश के 40 से अधिक विधायक संक्रमित हो चुके हैं उसके बाद यह व्यवस्था बनाई गई है कि एक्चुअल और वर्चुअल जो जैसे भाग लेना चाहे वह भाग ले सकता है। कैमरामैन गणेश के साथ पॉलिसी अनादि टीवी के लिए